Good morning, my dear students. I'm Chima Dharma. Welcome to English class. And today I'm just going to start our topic, that is figure of speech. Already we have discussed our four figure of speech, and now I'm going to start our next figure of speech, that is assonance. Assonance in Hindi we call the sabar, samya, alankar. Sabar, samya, alankar. Clear this thing. So how you can identify the figure of speech assonance? Repeat the same vowel but start with a different consonant sound. देखिए यहाँ पे definition क्या कह रही है कि repeat the same vowel. जो repetition है vowel की वो same होनी चाहिए but start with a different consonant sound. तो starting जो होती है उसकी वो कहाँ से होगी? Different consonant से होगी. लेकिन जो vowel होगा आपको पता है कि vowel A, E, I, O, U. ये हमारे जो पांच वोवल्स होते हैं इनकी जो साउंड होगी, अगर कोई एग्जांपल आपको ऐसा दिखाई दे जहाँ पे जो वो सेम वोवल आ रहा है, रिपीट हो रहा है, जैसे ए ई, लेकिन उसके जस्ट स्टार्टिंग के अंदर जो कॉन्सोनेंट है वो डिफरेंट है, सो इन दैट केस यू कैन से द एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच विल बी देयर. क्लियर दिस थिंग? लेट्स टेक आउट द एग्जाम्पल. गो स्लो ओवर द रोड, मतलब रोड पर धीरे चलो. अभी देखिए ओ, this is our vowel. Again, O and O. The vowel sound is repeating here. Same vowel sound is repeating here, but start with a different consonant. Start with a different consonant. Clear this thing? देखिए O sound जो है सबके अंदर क्या है? Common आ रही है. ठीक है? Go, slow and road. लेकिन जो starting है O के just बिफोर जो क्या किया गया है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट है. हेयर आर, हेयर एस एंड हेयर जी. क्लियर दिस थिंग? लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट एग्जांपल. द लाइट ऑफ द फायर इज ए साइट. सो हेयर द वोवल इज आई, दैट इज रिपीटिंग. क्लियर दिस? बट स्टार्ट विद द डिफरेंट कॉन्सोनेंट. बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर. ई ई and start with a different consonant sound. Clear this thing? So in case of assonance, repeat the same vowel sound but start with a different consonant sound. It is known as assonance, or in Hindi we call sabar samya alankar. Okay, let's come to the next figure of speech, that is personification. In Hindi we call it the manvikaran alankar. Manvikaran. Manvikaran alankar mein kya hota hai? When an animal, birds, idea or an object is seen in human terms. जब भी कोई आइडिया, मतलब बेजान चीज के अंदर भी कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लिया है आपने, कोई एनिमल है या फिर कोई बर्ड है, कोई आइडिया है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक ह्यूमन टर्म के अंदर. कैसे कर दिया? मान लो जैसे कोई आइडिया आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपना कोई वे दिखा रहे हैं, या फिर कोई एनिमल है जो बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप ह्यूमन टर्म के अंदर जो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. हाउ यू कैन से, लेट्स चेक आउट द एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर द मून स्माइल अपॉन द रिवर. ये देखिए जो मून है, ठीक है, ये जो मून है हमें नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्माइल, हंस रहा है. देखो हंसने की जो क्वालिटी होती है, हंसने का जो फीचर होता है, वो किसके अंदर होता है? ह्यूमन बींग के अंदर होता है. तो सेम इसी तरह से स्माइल अपॉन द रिवर, तो रिवर भी क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया हमारा. तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ जब कोई ह्यूमन टर्म के अंदर आप उसको चेंज कर देते हैं, इट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीकरण. नाम भी देखिए इसका मानवीकरण रखा गया है. इट मीन्स उसको मानव के टर्म के अंदर, एक ह्यूमन बींग के टर्म के अंदर उसको चेंज कर दिया जाता है. द फायर स्वेलो द एंटायर फॉरेस्ट. अभी देखिए फायर, फायर, फायर क्या है? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. एंड स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना. एंटायर फॉरेस्ट मतलब पूरे के पूरे फॉरेस्ट को जो है वो आग ने अपना निगल लिया. मतलब निगल, निगलने का काम क्या होता है? खाना खाना. खाना खाने का काम किसका होता है? ह्यूमन बींग का होता है. चबाते हम हैं, निगलते हम हैं. तो सेम इसी तरह से द फायर स्वेलो द एंटायर फॉरेस्ट, की जो आग थी वो पूरे फॉरेस्ट को क्या कर गई? निगल गई. लेट्स टेक आउट द नेक्स्ट एग्जांपल. यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर. यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, तुम्हें जो वो अच्छी मेहनत करते रहना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज, अब ये देखो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कुछ डिफरेंट आ गया है. तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है. आर नॉकिंग एट योर डोर मतलब आपके दरवाजे पर खटखटा रहे हैं. क्लियर दिस थिंग? तो खटखटाने की जो अपॉर्चुनिटी थोड़ी आएगी, हाँ दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, रोड खटखटा रही है कि मैं आ चुकी हूँ, अब रेडी हो जाओ, आपको जो है वो हार्ड वर्क करना चाहिए.
तो जब हम किसी आइडिया को, एनिमल्स को या बर्ड्स को, किसी ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन टर्म के अंदर जब चेंज कर देते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटरेस्टिंग वे के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई होप यू जस्ट हैव अंडरस्टूड द बोथ एसोनेंस एंड पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हियर। एसोनेंस के अंदर क्या होता है, सेम वोवल होता है, लेकिन स्टार्टिंग किससे होती है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट से होती है। और पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब एनिमल, बर्ड्स और आइडिया और ऑब्जेक्ट को किसी ह्यूमन टर्म के अंदर चेंज कर दिया जाता है, उसको उस वे में दिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, पर्सोनिफिकेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।